Hello, friends. Today we are going to discuss a very emotional and important short story from our syllabus of Indian English literature, and the name of the story is. The only American from our village and it is written by shri arun joshi friends arun joshi was born in Varanasi in 1939 and he completed his higher education in the United States and returned to India to become an industrial manager. फ्रेंड्स अरुण जोशी जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। He won the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1982 for the last labyrinth. दोस्तों इसका मतलब लेबरिंग्थ का मतलब होता है भूल भुलैया कह लीजिए। A complicated set of path and पैसेजेज एंड और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे द फॉर्नर द अप्रेंटिस द सर्वाइवर, अ सेलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड द सिटी एंड द रिवर तो फ्रेंड्स एज पर बुक हम जाएंगे और जो इसमें लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ मैं आपको इस स्टोरी को सुनाऊंगा तो दोस्तों दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स द प्रेडिकमेंट ऑफ एन इंडियन मैन लिविंग इन अमेरिका एंड हिज मेंटल एगनी रिजल्टेड फ्रॉम द गिल्ट ऑफ बिंग इस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज ड्यूटी हिज रूट्स हिज ऑन पीपल एंड हिज ऑन लैंड तो दोस्तों किताब कहती है दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स दोस्तों एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है हम इंटरनेट एक्सप्लोरर देखते हैं ना इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें हम क्या करते हैं खोजते हैं जाके इंटरनेट पे गूगल सर्च करते हैं कुछ भी करते हैं एक्सप्लोरर कौन होता है जो खोजता है डिस्कवरी करता है ठीक है इसी तरह से दिस स्टोरी एक्सप्लोर द प्रेडिकामेंट मीन्स कठिन परिस्थिति किसकी कठिन परिस्थिति को खोजती है जब हम इसको पढ़ेंगे हमें उसके बारे में बताती है ऑफ एन इंडियन मैन लिविंग इन अमेरिका जो अमेरिका में रह रहा है हिंदुस्तानी और उसकी मेंटल एगनी जो एक्सट्रीम पेन मेंटल सफरिंग है जिसकी वजह क्या है जब उसे ये महसूस होता है उसे ये ऐसा फील होता है कि वह well, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी ड्यूटी के प्रति जो एक बेसिक मॉरल ड्यूटी होती है अपने परिवार वालों के लिए अपने माँ बाप के लिए अपने लोगों के लिए या फिर अपने देश के लोगों के लिए फ्रेंड्स एक नज़र स्टोरी के करेक्टर्स पे डालते हैं हमारे पास हैं डॉक्टर खन्ना लगता है कि ये स्टोरी जो है वो डॉक्टर खन्ना के इर्द गिर्द घूम रही है लेकिन नहीं ये स्टोरी एक्चुअल में देखा जाए तो उनके पिताजी की सफरिंग उनकी पेन और भावनाओं से जुड़ी हुई ये स्टोरी है श्री कुंदन लाल जी की जो हैं डॉक्टर खन्ना के पिताजी एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक करैक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है मिस्टर राधे मोहन जो कि फ्रेंड हैं कुंदन लाल जी के कुंदन लाल जी के फ्रेंड का नाम है राधे मोहन कुंदन लाल जी का बेटा है डॉक्टर खन्ना एंड डॉक्टर खन्ना की वाइफ है जॉइन एंड उनके दो बेटे हैं ठीक है फ्रेंड्स और हमें यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर खन्ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये बहुत ही जाने माने ज्ञानी फिजिस्ट हैं मास्टर हैं एक्सपर्ट हैं फिजिक्स के ठीक है एंड एक दिन वो डिसाइड करते हैं टू गो बैक टू इंडिया अमेरिका से इंडिया आना चाहते हैं विद हिज वाइफ जॉइन एंड टू सन्स लेकिन दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले पंद्रह सालों से वो अमेरिका से इंडिया नहीं आए हैं तब से वो अमेरिका में ही रह रहे हैं उन्होंने चार हफ्तों का ट्रिप बनाया है इंडिया के लिए फ्रेंड्स वो इतने प्रसिद्ध थे इतने पॉपुलर थे कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है वहाँ से भी लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इंथुसियाजम के साथ उनका स्वागत किया जाता है फ्रेंड्स जितने समय के लिए वो भारत में रहते हैं इस दौरान वो असिस्ट करते हैं इंटरप्लेनेटरी रेडिएशन की कॉन्फ्रेंस को एंड रिसीव ऑफ इनागोरेटिंग थ्री वेल अटेंडेंट सेमिनार एंड ही आल्सो मीट्स ड्यूरिंग द ट्रिप विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उन्हें बहुत तरह तरह की जॉब ऑफ़र की जाती हैं बट वो बहुत ही पोलाइटली उन्हें डिक्लाइन कर देते हैं इन ऑफर्स को दोस्तों खन्ना जी के रिलेटिव्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं उनकी फैमिली से मिलकर जिनको वो पहली बार देख रहे थे उनको मिलकर उनके बच्चों को मिलकर बहुत खुश होते हैं साथ ही साथ खन्ना फैमिली उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई होती है गिफ्ट लाई होती है अमेरिका से जैसे कि रेज़र हो गए जिलेट रेजर हो गए पॉप म्यूज़िक हो गया जो उस समय का नाइनटीन का पॉपुलर म्यूज़िक था वो सब उसे कहते हैं पॉप म्यूज़िक तो अमेरिका का जो पॉप म्यूजिक था वो रिकॉर्ड्स उसके लेके आए हैं और दोस्तों स्पेशली जो मदर्स हैं वो वन डॉलर नेक टाइज जो लेके आए हैं उनको देखकर काफ़ी खुश होती हैं उत्साह होता है उनमें कि वो अपने बच्चों को जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनको पहनाएंगी सो so, दोस्तों ऐसा आपने भी महसूस किया होगा और किताब भी यही कहती है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग विद अ फॉरेन लेबल जिसके ऊपर भी मेड इन जैसे यूएस मेड इन इंग्लैंड मेड इन सो एंड सो मेड इन इटली ये सारी चीज़ों की टैली लगी होती है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की तरह उसे बहुत अच्छा माना जाता है कि हाँ भाई ये आइटम इंपॉर्टेंट है तो यही कुछ इस तरह से इस कहानी में भी बताया गया है दोस्तों उनका ट्रिप बहुत ही बढ़िया जा रहा होता है बच्चों को लेके वो टूर पे जाते हैं इस तरह से अभी ख़त्म ही होने वाला ऑलमोस्ट ये ट्रिप बहुत बढ़िया जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं अरुण जोशी जी वो एक यू नो एंटी क्लाइमेक्स ऐड कर देते हैं जैसे कहते हैं ना स्टोरी सब कुछ बढ़िया जा रही है अब उसके विपरीत स्थिति यहाँ पर स्टोरी में डाल दी जाती है वो किस तरह से वो आपको आगे बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है मिस्टर राधे मोहन जी से जो कि डॉक्टर खन्ना के पिताजी के दोस्त हैं एंड दोस्तों वो डॉक्टर से डॉक्टर खन्ना से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से उनके जो पिताजी थे वो एक इंतज़ार में थे कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे और कुछ समय अपने बेटे के साथ बिताएंगे लेकिन समय के साथ साथ उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके बेटे के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उनके लिए बिल्कुल इमोशंस नहीं बचे हैं एंड इसी दुख में इसी व्यथा में उनका दुखद अंत हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमें नए करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्टोरी में जिनका नाम है मिस्टर राधे मोहन मिस्टर राधे मोहन जो हैं वो डॉक्टर खन्ना के पिताजी के दोस्त हैं राधे मोहन जी डॉक्टर खन्ना से कहते हैं कि उनसे कुछ बात करना चाहते हैं और उनकी कन्वर्सेशन के दौरान डॉक्टर खन्ना को ये पता चलता है जो वो बताते हैं डॉक्टर खन्ना को कह हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर खन्ना के जो पिताजी थे वो किस तरह से एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए क्योंकि पंद्रह साल से वो अमेरिका में था और वो सोच रहे थे कि कब वो अमेरिका जाएंगे और अपने बेटे के साथ कुछ समय बताएंगे और मिस्टर मोहन ये भी बताते हैं कि जो उनके पिताजी थे उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि उनके बेटे के पास उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड कोई इमोशन भी नहीं बचे हैं और इसी दुख में इसी व्यथा में उनका एक ट्रेजिक एंड हो जाता है दोस्तों यानी कि उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है स्टोरी में सो so, दोस्तों इसलिए ये जो स्टोरी है दिस स्टोरी इज मोर अबाउट डॉक्टर खन्नाज फादर जिनका नाम है कुंदन लाल और उनकी सफरिंग की बिकॉज ऑफ हिज ओनली सन्स कैलस इन डिफरेंस टूवर्ड्स हिम कैलस मीन्स कठोर एंड इन डिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट लैक ऑफ कंसर्न अबाउट हिज फादर उसके बारे में ये स्टोरी है और इसी वजह से जो सफरिंग है जो पेन है वो महसूस करते हैं जो जिस गम में उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बारे में ये बताती है हमें ठीक है इन द कोर्स ऑफ मिस्टर मोहन नरेशन जो वो कन्वर्सेशन uh, कर रहे होते हैं खन्ना के साथ डॉक्टर खन्ना के साथ हमें ये बताया जाता है कि जो कुंदन लाल हैं वॉज अ वेरी प्राउड ऑफिस सन उन्हें अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व था और वो पूरे गांव में अपने बेटे की अचीवमेंट्स का गुणगान करते थे और अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता था तो उन्हें गुस्सा आता था अच्छा नहीं लगता था जो डॉक्टर खन्ना है वो 25 साल की उम्र में भारत से अमेरिका गए थे फॉर फर्दर स्टडीज़ तो कुंदन लाल जी को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी वो ये सोचते थे कि जब उनका बेटा स्टडीज़ कंप्लीट करके आएगा अपनी अमेरिका से तो वो एक अच्छी नौकरी करेगा और बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेबल फैमिली में कहीं शादी होगी उसकी और वो अपने पिताजी की मर्ज़ी से उनसे बातचीत करके शादी करेगा और इस तरह से उन उसके बेटे की लाइफ बन जाएगी और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे वो खुशी खुशी तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कुंदन लाल जी ने अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी वो हमेशा ये मन्नत मांगते थे विश करते थे कि उनका बेटा जो है गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करे एंड and... वो अपने दोस्तों से ये अक्सर फेलो विलेजर्स से ये कहते रहते थे कि उनका बेटा बस एक या दो साल में वापस आने वाला है तो दोस्तों इतनी उम्मीदें थी तो झटका भी लगेगा एंड द फर्स्ट ब्लो कम टू कुंदन लाल वन डॉक्टर खन्ना मैरिडा अमेरिकन गर्ल इन अमेरिका जब डॉक्टर खन्ना ने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और अपने पिताजी को बताया भी नहीं पूछा भी नहीं कुछ भी नहीं तो ये शौक बहुत ही गहरा था कुंदन लाल जी के लिए और वो बेचारे इससे बहुत दुखी होते हैं वो अपने बेटे का गुणगान गाना सबसे बातें बातचीत करना विलेजर से ये सब बंद कर देते हैं कुछ महीनों के लिए हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड ठीक है उनके जो ख्वाब थे वो बिखर गए और उनकी जो होप्स थी वो झूठी साबित होने जा रही थी ठीक है हिज होप्स बिलाइड बहुत ही झूठा साबित हो रही थी कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू मेंटेन हिज प्रीवियस सेल्फ एंड देयर फोर वेंट इन टू एन एग्जाइल ऑफ म्यूटनेस ठीक है वो पहले जैसी मतलब अपनी चरित्र को पहले जैसा नहीं बना पा रहे थे अपने आप को जैसे वो एक्चुअल में थे वैसे नहीं हो पा रहे थे इसी रीजन से इसी ब्लो से और इसकी वजह से वो एक खामोशी में जा चुके थे बट कुंदन लाल लव इज सन टू मच ठीक है कितनी देर नफ़रत करेंगे फिर वो बेचारे कुछ महीनों बाद अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे तो वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए और नॉर्मल uh, हो गए ही स्टार्टेड टॉकिंग अगेन वो फिर से लोगों से बातचीत करने लगते हैं अपने बेटे की अचीवमेंट्स के बारे में वो अपने बेटे की फिर से बढ़ाई करने लगते हैं कहते हैं कि उसका बहुत नाम है अमेरिका में है ना ही इज़ दी ओनली अमेरिकन फ्रॉम द विलेज हमारे गांव में से वही एक अमेरिकन है ही हैड नो आइडिया दैट आफ्टर मैरिज हिज सन इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू हिज फादर शादी के बाद उनका बेटा अपने पिता के पास नहीं आने वाला है और वो कब तक नहीं आने वाला है जब तक वो जिंदा है दोस्तों वो विलेजर्स से ये कहते थे कि जो उनका बेटा है वो अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है ठीक है और ही इज अ बिग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एवरी वन शुड बी प्राउड ऑफ देम दोस्तों कुंदन लाल जी थोड़े प्राउडी मैन थे इसलिए स्पाइट ऑफ हिस बर्निंग डिजायर टू गो टू अमेरिका टू सी हिज सन अपने बेटे से मिलने का मन तो करेगा ही तो इस डिज़ायर को उन्होंने दबाए रखा जो बर्निंग डिज़ायर थी उनके लिए ठीक है और उन्होंने अपना कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताया और उन्होंने कभी भी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि वो अमेरिका आना चाहते हैं वो उसके लिए टिकट्स भेजे लेकिन फिर भी

उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया थिंकिंग दैट हिज सन इज़ गोइंग टू सेंड अ टिकट एनी टाइम नाउ कभी भी टिकट भेजने वाला है ही वुड शेव एवरी डे वो रोज शेव करते ही ऑल्सो बोट सम न्यू शर्ट्स एंड सूट अपने लिए नए कपड़े लाते नए सूट ले आके रखते स्टैंड बाय रखते कि कभी भी चिट्ठी आ सकती है उनको इतनी बर्निंग डिजायर थी अपने बेटे से मिलने की लेकिन वो अपने बेटे को कह नहीं पाए और उनका बेटा वहाँ समझ नहीं पाया बहुत बड़ा फिजिस्ट था जो दोस्तों so, एक दिन कुंदन लाल जी को एक स्टैंप सेलर पूछता है जो उनके चाइल्डहुड का फ्रेंड होता है कि वाई ही इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ तो वो उन्हें धीरे से एक साइड कॉर्नर में ले जाके बोलता है कि ये सीक्रेट है उसकी आंखों में एक चमक होती है ये चीज़ बताते हुए कि दैट ही इज गोइंग टू अमेरिका एज हिज सन इज गोइंग टू सेंड अ टिकट टू अमेरिका वो कहता है कि उनका बेटा उसे अमेरिका बुला रहा है और कभी भी टिकट भेजने वाला है उसकी आंखों में इतनी चमक होती है और ये सारी खबर जो है वो स्टैंप सेलर है पूरे गांव में फैला देता है ठीक है और टू कुंदन लाल ग्रीव द टिकट नेवर अराइव्ड तो दोस्तों इसे कुंदन लाल जी का दुर्भाग्य कहिए कि वो जो टिकट की उम्मीद थी उन्हें वो कभी नहीं आई और ना ही उन्होंने बोला हाउ कुड इट हैव अराइव्ड कैसे आती अगर डॉक्टर खन्ना जी ने बहुत बड़े फिजिस्ट थे जिनका नाम बहुत था फिजिक्स में अमेरिका में संसार में उन्होंने तो कभी टिकट भेजी ही नहीं द ग्रीफ एंड ह्यूमिलेशन ये जो तिरस्कार था ये जो दुख था कुंदनलाल को अंदर ही अंदर खा गया ठीक है इसका कोई अंत नहीं था ही ट्राई टू एंगेज हिमसेल्फ इन रिलीजन ठीक है उन्होंने धर्म में ध्यान लगाना थिंकिंग ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कोशिश की कि वो इस दुख से उभर सकें लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि जो भगवान है ही वॉज़ बिजी किसमें उनके जो कुंदनलाल जी का जो बेटा है उन उसके एम्बिशंस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे और कुंदन लाल की जो मिजरेबल सिचुएशन थी जो उनकी प्रेयर्स थी वो भगवान तक नहीं पहुंच रही थी परहैप्स गॉड वॉज टू बिजी हेल्पिंग डॉक्टर खन्ना टू अचीव हिज एम्बिशंस सो दोस्तों यहाँ डॉक्टर खन्ना के पिताजी की बात हो रही है इसलिए लाहौर की बात यहाँ पे होती है 1947 से पहले की बात है कि उनके पिताजी अपनी जवानी में लाहौर में हायर स्टडीज़ के लिए गए थे वहाँ भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया और वो अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे अपने घर को छोड़कर वो वहाँ से वापस आ गए इन हीज़ लाइफ ही हैड बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड डेज इन डिफ़िकल्ट टाइम्स बहुत ही उन्होंने मतलब हार्ड वर्क वाले दिन देखे बहुत ही मुश्किल समय देखा अपनी ज़िंदगी में जो कि इतना आसान नहीं था ही हैड टू क्रॉस द बॉर्डर इन मंथ ऑफ मई मे में उन्हें जब भयंकर गर्मी पड़ती है दोस्तों हमारे नॉर्थ इंडिया में उस समय उन्हें बहुत ही मतलब कड़ी धूप के समय में बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़ता था एंड देट टू विदाउट इवन शूज जूते भी नहीं होते थे उनके पास दोस्तों एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग वो नंगे पाँव आते थे नंगे पाँव जाते थे इतनी कड़ी दोपहर में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिज फीट फ्रॉम बर्निंग ही वुड टाइट ढाक लीव्स ढाक पेड़ होता दोस्तों कुछ के पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं तो अपने पाँव को उस धूप से उस जलन से बचाने के लिए ये पत्ते जो थे अपने पैरों के साथ बांधते थे तो so फ्रेंड्स ये तो हुई उनके पिता की मेहनत और मुशक्क़त की कहानी तो अरुण जोशी जी जो हमारे इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं उन्होंने यहाँ पे आपने एक ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर खन्ना ही लिखा है उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है सरनेम दिया है खन्ना ठीक है और इस ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ होता है कि क्यों ये इसलिए दोस्तों क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर खन्ना जो हैं वो एज अ फिजिस्ट पॉपुलर हैं लेकिन एज अ पर्सन ही इज़ फेल्ड इन हिज़ लाइफ क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक जो बेटे का जो कर्तव्य होता है वो उसे निभाया नहीं था जब उन्हें ये पता चलता है टेलीग्राम के थ्रू कि उनके पिताजी बहुत बीमार हैं एंड इसके बदले में उन्होंने एक सिंपल सा ऑर्डिनरी रिप्लाई कर दिया लेटर का कि वो अभी बहुत बिजी हैं इन कॉन्फ्रेंस में इसलिए वो नहीं आ पाएंगे और उन्हें इवन ये भी नहीं लिखा कि वो नेक्स्ट कब आ सकते हैं दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया है कि डॉक्टर खन्ना जो हैं इस कहानी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और ये कहानी में लेखक जो है वो हमें क्या बताना चाहता है तो दोस्तों ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जैसे मैंने आपको बताया जो डॉक्टर खन्ना के पिताजी थे उनके जो दोस्त हैं राधे मोहन जी जब वो डॉक्टर खन्ना से बात करते हैं तो वो पूछते हैं एकदम गुस्से से कि भाई क्यों ऐसा क्यों कि तुमने अपने पिता के लिए टिकट क्यों नहीं भेजी ये सब सवाल उनको अंदर ही अंदर दुख दे रहे थे डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि आई कुड नॉट आई डिन नॉट हैव मनी तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर खन्ना जैसे इंसान के पास पैसे नहीं थे भेजने के लिए ये तर्क ही बिल्कुल सही नहीं है मीन्स उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी फिर उन्होंने टिकट क्यों नहीं भेजी भेजी तो यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उनको अपने पिता के प्रति जो आप कह सकते हैं ना लैक ऑफ इंटरेस्ट लैक ऑफ कंसर्न लैक ऑफ सिंपथी एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो सब था और वो अपने पिताजी को कुछ समझते ही नहीं थे इसलिए इसी वजह से वो पिताजी को पंद्रह साल से उनसे दूर रहे ना ही उन्हें कभी टिकट भेजी ना ही कभी बात करने की कोशिश की फ्रेंड्स यहाँ ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर खन्ना का जो बिहेवियर था अपने पिता के प्रति ऐसा क्यों था तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे राइटर हैं अरुण जोशी जी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है डॉक्टर खन्ना के करेक्टर को एकदम बनाने में ठीक है एक तरह से नेगेटिव समझ रहे हैं ना आप नेगेटिव कैरेक्टर बनाया है उसको उनको प्रॉपर अब आगे देखिए अब क्या होता है फ्रेंड्स जब डॉक्टर खन्ना के साथ राधे मोहन जी ये सब बातें करते हैं तो उन डॉक्टर खन्ना को ऐसा महसूस होता है कि ये उनके पिताजी हैं जो उनसे ये सब बातों का जवाब मांग रहे हैं कि क्यों वो उनके लिए टिकट क्यों नहीं भेज पाया ऐसा क्या था कि उसको पंद्रह साल में अपने पिता की याद नहीं आई उनकी मृत्यु पर भी नहीं आया वो और इस तरह की ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी तो दोस्तों राधे मोहन जो थे वो कहीं ना कहीं डॉक्टर खन्ना की यहाँ के पिताजी की यहाँ अल्टर ईगो है ठीक है दोस्तों अल्टर ईगो मीन्स अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी एक तरह से वो डॉक्टर खन्ना के पिताजी ही हैं जो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जैसे बताया जाता है उनकी जो चरित्र हैं कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं कुछ ऐसी फीचर्स हैं लाइक अ स्लैंट ऑफ द लिप्स ठीक है जो उनके लिप्स हैं उनका जो झुकाव है अ ग्लिंट इन द आईज आँखों में जो चमक है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर खन्ना को अपने पिताजी की याद दिलाती हैं हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर डॉक्टर खन्ना के पिताजी जिनका नाम था कुंदन लाल वो जीवित होते तो बिल्कुल राधे मोहन जैसी जैकेट पहन के आते और उनकी आंखें बिल्कुल वैसी होती जैसी उनकी थी फुल ऑफ कैटरैक्ट मीन्स लेंस ऑफ द आईज बिकम प्रोग्रेसिवली अपेक तो डॉक्टर खन्ना को ये फीलिंग भी आती है ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कि अगर उनके पिताजी अगर उनसे इस बात कर रहे होते तो ज़रूर उन्हें अभी तक थप्पड़ भी मार चुके होते तो दोस्तों यहाँ हमें ये बताया गया है कि जो उनके दोस्त थे वो एक तरह से उनकी अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी थी और अपने बच्चे से अपने बेटे से ये सवाल कर रहे थे ये सब सवाल करके वो तो चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है डॉक्टर खन्ना को थोड़ी रियलाइजेशन होती है दोस्तों और वो ये अनुमान लगाते हैं अपनी पुरानी जिंदगी का कि पिछले पंद्रह साल में उन्होंने क्या कमाया क्या खोया ही फील्स अ बर्निंग सेंसेशन इन इज फीट वो अपने पैरों में ना एक बहुत सारी जलन सी महसूस करने लगते हैं और कंटिन्यूसली उसकी तरफ स्टेयर करते रहते हैं देखते रहते हैं फिक्स्ड और और वो अपने साइकेट्रिस्ट से भी ये बताते हैं कि वो अपने काम में कंसनट्रेट करने में अभी कामयाब नहीं है दोस्तों ये पैरों की जलन आप समझ रहे हैं कि उनके पिताजी जो थे गर्मियों के दिनों में कैसे स्कूल में जाया करते थे पैरों में ढाक के पत्ते बाँध कर तो कहीं ना कहीं उन्हें वैसी ही जलन महसूस होती है जैसे उनके पिताजी को गर्मियों में हुआ करती थी तो दोस्तों यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि डॉक्टर खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया दोस्तों डॉक्टर खन्ना के पैरों में जलन जो है वो उन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है ठीक है दोस्तों और वो अपने साइकेट्रिस्ट से ये कहते हैं कि जब से वो इंडिया से आए हैं उनका जो आउटपुट है रिसर्च वर्क का वो ज़ीरो हो चुका है जब से वो भारत से वापस आए हैं इसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि ये जो उनको रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने अपने पिछले पंद्रह सालों में क्या कमाया है क्या खोया है उसी वजह से ये उसका एक कारण होता है और वो मेंटली बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं एंड दी एगनी जो मेंटल एगनी वो फील करते हैं जिसे हमारे जो राइटर हैं वो दिखाना चाहते हैं जो समझाना चाहते हैं हम सबको वो यहाँ से क्लियरली हम सबको एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है सो फ्रेंड्स देर इज़ नो डाउट दैट दिस स्टोरी शोज अस अ वेस्टड लाइफ ठीक है किस तरह से वेस्ट हुई वो लाइफ क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक पर्सन की अपने परिवार वालों के लिए भले ही वो कितना ही जिंदगी में नाम कमा ले ठीक है और जो डॉक्टर खाना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके लिए उन्होंने उन्हें पूरा नहीं किया एंड आफ्टर ऑल अ कंप्लीट सेंस ऑफ फ्रीडम कैन ओनली कम आफ्टर वन हैज़ रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हमें ये पता हो कि हमारी जिम्मेवारी क्या है कहाँ से कहाँ तक है तभी तो हमें यह महसूस होगा कि हम आज़ाद हैं दोस्तों उसके अलावा दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कितना भी नाम कमा लीजिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आपने अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ा लिया है तो आपकी ज़िंदगी आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है दोस्तों लास्ट अरुण जोशी जी, हमें बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि जो भी लोग फ़ौरन में होते हैं उनकी थिंकिंग कुछ इस तरह की होती है डॉक्टर खन्ना जैसी ऐसा नहीं है वो जस्ट एक चीज़ बता रहे हैं बताना चाहते हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना चाहिए चाहे हम जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुँच जाएँ हमें अपनी बेसिक फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए ना ही अपनों के लिए ना ही अपने देश के लिए और इन सब को मद्देनजर रखते हुए अपने माँ बाप को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स